मासूम से दुराचार करने वाला आरोपी गिरफ्तार। मासूम से दुराचार करने वाला 70 वर्षीय बुजुर्ग रिटायर्ड शिक्षक था आरोपी। इटावा जनपद की भरतना पुलिस ने 4 वर्षीय नाबालिग मासूम बालिका के साथ दुराचार करने वाले अभियुक्त को घटना के दूसरे दिन ही गिरफ्तार कर जेल भेजा है। आपको बता दें, इटावा जनपद में महिला व बालिका संबंधित अपराधों की रोकथाम हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ब्रजेश कुमार सिंह के निर्देशानुसार और अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण ओमबीर सिंह के मार्गदर्शन व भर्तना क्षेत्र अधिकारी विजय सिंह के नेतृत्व में बीते दिन 4 वर्षीय नाबालिग मासूम बालिका के साथ दुराचार करने वाले नामजद अभियुक्त सरनाम पुत्र राम सिंह निवासी ग्राम जवरपुरा मौजा तुरैया भर्तना को भर्तना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर भर्तना ऊसराहार मार्ग स्थित ग्राम उमर सेड़ा नहर पुल के पास से गिरफ्तार किया है। वहीं आपको बताते चले, घटना के संबंध में नाबालिग 4 वर्षीय मासूम बालिका के पिता द्वारा दी गई थी 17 जुलाई को सूचना। भर्तना पुलिस ने नामजद आरोपी के विरुद्ध विभिन्न संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी थी। पिता ने लिखित तहरीर में बताया था कि उसकी 4 वर्षीय नाबालिग मासूम पुत्री पास में ही बन रहे जहारवीर के मंदिर के पास खेल रही थी। उसी समय करीब शाम 5:30 बजे गांव के ही सरनाम पुत्र राम सिंह निवासी जबरपुर ने उसकी पुत्री के साथ दुराचार किया था, जिस पर भर्तना पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। इटावा से MSS न्यूज के साथ शिवानी तिमोरी की रिपोर्ट।